के बुला बुला के नसीब सोया जगा रहे हैं मदीने वाले, के बुला बुला के नसीब सोया जगा रहे हैं मदीने वाले, नजारा जन्नत का आशिकों को करा रहे हैं मदीने वाले। हमारा दाना हमारा पानी उन्हीं की चौखट से चल रहा है, खिला रहे हैं मदीने वाले, पिला रहे हैं मदीने वाले। हमारा दाना हमारा पानी उन्हीं की चौखट से चल रहा है, खिला रहे हैं मदीने वाले, पिला रहे हैं मदीने वाले। वली इब्ने वली, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, अगर मैं शेर हल्के में पढ़ दूं तो उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि शेर तो शेर होता है, चाहे वो जंगल का हो या शायरी का। शेर को शेर बनकर के सुना जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, है कि नहीं? तो आप शेर को शेर बनकर के सुने। निजामत चीखने और चिल्लाने का नाम नहीं है, निजामत अच्छे शेर लोगों के दिलों तक पहुंच जाए उसी को निजामत कहते हैं। मैं चाहूं तो सिंगल बॉडी का आदमी जरूर हूं, मगर ताकत मेरे सीने में भी बहुत है। फर्क इतना है कि मैं इस्तेमाल बहुत कम करता हूं। जब पढ़े लिखे लोग मिलते हैं तो पढ़ी लिखी शायरी संजीदा माहौल में करते हुए बहुत अच्छा लगता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह, नहीं कहा आपने? नहीं, कहीं आपका मशवरा ये तो नहीं है कि हसन नजा शेर भी तुम ही पढ़ो, अपने शेर पर सुभान अल्लाह भी तुम ही कहो? तो मैं इंसान हूँ, कोई MP3 की कैसेट थोड़ी हूँ कि बटन दबाया चालू हो गई। एक काम मैं कर लेता हूँ, एक काम आप कर लीजिए। शेर मैं पढ़ लेता हूँ तो सुभान अल्लाह आप कह दीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए शेर तुम लोग पढ़ दो, सुभान अल्लाह हम लोग कह देते हैं। भाई दोनों कामों में से कोई एक तो काम करना होगा। भाई शेर भी हम ही पढ़ेंगे, नारे भी हम ही लगाएंगे, सुभान अल्लाह भी हम ही कहेंगे। तो आप क्या अब्बू जी की ससुराल में आके बैठे? भाई आप तो भी हुजूर की महफिल में बैठे हैं नेकियां कमाने के लिए। भाई जाहिर सी बात है, जब हम अपना दिल निकाल के आपके सामने रख सकते हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप अपना फेफड़ा निकाल करके हमारे सामने रख दें। काम दोनों साइड से चलेगा, है कि नहीं? देखें, खाते हैं तेरे दर का, खानदान वालों की तरह पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो हमारे पड़ोसी मुल्क के एक शायर ने कहा था कि तेरा ख्वाबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, के तेरा ख्वाबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर राशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये जितने भी हरे कुर्ते वाले कमेटी के नौजवान बैठे हैं, आपके पड़ोसी शहर फरखाबाद के एक शायर ने एक शेर कहा था कि एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है। इसी जमीन पर ये मिसरे सुन लो, उसके बाद चुपके से मैक पे बैठता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मरीज को उतनी दवा देना चाहिए जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले। कभी कभी ज्यादा दवा भी मरीज को नुकसान कर जाती है, तो मैं उतनी ही दवा देने की कोशिश करूंगा जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे मालूम है कब आपको इंजेक्शन लगाना है, कब आपको कितने टेबलेट देना है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लिहाजा वो शेर जहन में रख के, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है। अब शेर सुने, सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, के सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है, के सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है। हश्र में सारे गुनहगार इसी में होंगे, शेर समझ के बोलिएगा, के सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है, हश्र में सारे गुनहगार इसी में होंगे, मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। हश्र में सारे गुनहगार इसी में होंगे, मेरे सरकार के
दामन को समझता क्या है, सारे इंस गुनेगार इसी में होंगे, मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। इसलिए करता हूँ तौबा में गुनाहों से बहुत, इसलिए करता हूँ तौबा में गुनाहों से बहुत, रूह कब्तन से निकल जाए भरोसा क्या है। इसलिए करता हूँ तौबा में गुनाहों से बहुत, रूह कब्तन से निकल जाए भरोसा क्या है। और प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को, वो समंदर को बुला लेते ये दरिया क्या है। प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को, वो समंदर को बुला लेते ये दरिया क्या है। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी समातों के हवाले, शहंशाह तरन्नुम, शारे अहले सुन्नत, बुलबुले बाके मदीना, गुलामे समदानी, आशिके महबूबे सुभानी, हजरते फिरदौस रजा कादरी से गुजारिश करूंगा वो आए और अपने कलाम से हम तमाम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए उनका इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। खुदा के फजल से हम पर, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दो नो जगह में गए, हमें दो नो जगह में गए सहारा गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। और ये भी शेर बतौर खास समाप्त करें, जो फरमाया के दोषे औलिया पर है कदम मेरा, जो फरमाया के दोषे औलिया पर है कदम मेरा, लिया सरे को झुका कर सबे ने तलवा गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। और मक्ता और समात करें, जमीले कादरी सो जा से हो कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सो जा से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझे जैसे, बनाया जिसने तुझे जैसे को बंदा गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दो नो जगह में है, हमें दो नो जगह में है सहारा गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम।